नागपुर पुलिस कोरोना महामारी में अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी गरीबों के लिए इस संकट की घड़ी में अन्नदाता बनकर सामने आए हैं। नागपुर शहर के बजाज नगर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने इस मुश्किल घड़ी में फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को खाना खिलाया। देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते संपूर्ण देश बंद है। चारों ओर बंद रहने की वजह से गरीब को दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। नागपुर शहर में भी कई ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो रोज कमाई कर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं, लेकिन सभी कामकाज बंद करने की वजह से ना तो वो लोग दो पैसे कमा पा रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ परिवार को दो वक्त का खाना कैसे खिलाए, यह सवाल उनके सामने है। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला सभी का ध्यान रखता है और अपने फरिश्ते के जरिए वो सब कुछ ठीक कर देता है। ऐसे लोगों के लिए खुद पुलिस अन्नदाता बनकर सामने आई है। एक ओर पुलिस कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है, तो दूसरी ओर पुलिस शहर के भूखे और जरूरतमंद लोगों को खाना भी खिला रही है। नागपुर के बजाज नगर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राघवेंद्र सिंह श्री सागर ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को ऐसी मुश्किल घड़ी में भूखे नहीं रहने का ठान लिया है। बुधवार को उनकी टीम ने बजाज नगर अत्रे लेआउट नरेंद्र नगर सिविल लाइंस परिसर में फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों के परिवार को फूड पैकेट बांटे। इस उपक्रम में राष्ट्र सेविका समिति की महिलाओं ने भी पुलिस का साथ दिया। फुटपाथ पर रहने वाले यह सभी छोटे छोटे खिलौने बेचते थे और उससे जो भी पैसे मिलते थे उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन कोरोना महामारी के इस मुश्किल घड़ी में न उनके पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए अनाज। ऐसी स्थिति में पुलिस उन्हें खाना खिला रही है। पुलिस निरीक्षक राघवेंद्र सिंह ने सामाजिक संस्था और संपन्न लोगों से अपील की है कि वो इन जैसे लोगों को दो वक्त का खाना खिलाए, ताकि इन गरीब लोगों का भूख से बुरा हाल ना हो। खासकर इस गरीब परिवार में बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं। यदि इन बच्चों को इस संकट की घड़ी में खाना नहीं मिला तो यह ऐसे ही संकट में आ जाएंगे। इसलिए शहर के जिम्मेदार नागरिकों ने पुलिस की तरह ही मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। एकता गहरवार की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।